चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो आप सभी 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के लिए पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देंगे और साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप समझिए कि हमारे लिए आपका जो गुरु दक्षिणा होगा यही होगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये सारा जो भी प्रोग्राम है सिर्फ आप लोगों के परीक्षा की तैयारी के लिए मैं तैयार करता हूं कि जिससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी हो। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जीके जेएस का मुझे भी पता कि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है। आप इतिहास देखें, भूगोल देखें, अर्थशास्त्र देखें, इकोनॉमिक्स है ना, ज्योग्राफी देखें, जिसमें भी आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको मैक्सिमम पढ़ना होता है। लेकिन कौन से प्रश्न हम ज्यादा बनाएं, बेहतर बनाएं कि आपके लिए एग्जाम में वो जल्दी से जल्दी आए और आपका रिजल्ट हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत हमें भी करना पड़ता है। और आप थोड़ा मेहनत करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बना हुआ रहे। तो चलिए बच्चों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखते हैं, जो कि आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल आएंगे और आने के संभावने हैं। और आगे भी आपको पता चल सके कि इस लेवल तक हमको पढ़ना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम जरूरी नहीं है कि आपको ये आए, लेकिन आपको कम से कम इस वीडियो को देखने से पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है, आपका लेवल क्या है और आपको कितना मेहनत करना है। तो इस बात पर हम जोर देने के लिए आपको कहते हैं कि याद करने के साथ साथ आप अपने लेवल को भी परखें कि आपका लेवल क्या है और आगे कितना मेहनत करना है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पूछेगा किस अधिनियम को कहा गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। अगला, संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, बंधुत्व या बंधुता। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक, संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया, तो फ्रांस से। किससे लिया गया, फ्रांस से। या कहेगा कि फ्रांस, देखेंगे गणतंत्रात्मक न देके देगा आपको गणतंत्र दे सकता है, क्या देगा, गणतंत्र। तो गणतंत्र भी पूछ दे तो कहां से, फ्रांस से। प्रस्तावना में पूछेगा स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहां से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 239 में किया गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है, राज्यों में मुख्यमंत्री के सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, ध्यान दीजिएगा न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, 12, न्यूनतम संख्या कितना, 12। और अधिकतम पूछेगा तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, अधिकतम पूछेगा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या पूछेगा वो कितना, 12। मुख्यमंत्री का पूछेगा नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। क्यों नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री बनने का आयु सीमा पूछेगा 25 साल, कितना साल होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का आयु। थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो केरल का, किस राज्य का, केरल का है। मेगुती जैन मंदिर किस राज्य में है, ध्यान दीजिएगा मेगुती जैन मंदिर किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में। मेगुती जैन मंदिर किस राज्य में, कर्नाटक के बीजापुर में है। पूछेगा इसको बनाया कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। मेगुती जैन मंदिर जो कि कर्नाटक के बीजापुर में, इसको बनाया कौन, पुलकेशिन द्वितीय। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया,
प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन जो किया गया था ग्रीस, जिसको आज वर्तमान में हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में किया गया था 1896 ईस्वी में। वर्ष 2024 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2024 में आपसे पूछेगा ओलंपिक खेल कहाँ हो जाएगा, तो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में होगा। और प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीस 1896 में इसका शुरुआत हुआ था, 1896 में। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक शशि थरूर, कौन है, शशि थरूर। अगला, लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक पूछेगा राकेश मारिया, कौन है, राकेश मारिया है। अगला सवाल, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था प्रथम आंगल बर्मा युद्ध। कब हुआ था, 1824 से 26 के बीच में, 1824-26 कहेगा प्रथम आंगल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1824-26। बर्मा का नया नाम म्यांमार, बर्मा का नया नाम म्यांमार। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यानडुबू की संधि कब हुआ, बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यानडुबू की संधि कब हुआ, 1826 में, और यानडुबू के संधि के द्वारा ही बर्मा आंगल युद्ध का समाप्ति हुआ था। भारत ट्रेड कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस नहीं करा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पूछेगा स्थापना कब हुआ, 31 अक्टूबर 1920 को, स्थापना कब हुआ, 31 अक्टूबर 1920 को, कौन करता है, एन एम जोशी करते इसका स्थापना। अगला सवाल देखा जाए बच्चों, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। फिर वर्ष 1939 में त्रिपुरी में जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। फिर वर्ष 1900 क्योंकि प्रत्येक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अध्यक्ष उसके चुने जाते थे तो प्रत्येक अधिवेशन के लिए, तो 1939 में जो अधिवेशन वो मध्य प्रदेश जबलपुर के पास में त्रिपुरी पड़ता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं, काफी प्रसिद्ध अधिवेशन रहा, सुभाष चंद्र बोस जिसमें जीते थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के प्रतिनिधि पताभी सीतारमैया की हार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि सुभाष चंद्र के विरुद्ध में कौन खड़े थे, तो गांधी जी के प्रतिनिधि पताभी सीतारमैया जिनका हार हो जाता है, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा हो जाता है जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो कहेगा कि जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष फिर कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर एक बात आप लोगों को पता होगा, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे भारत के क्रांतिकारी के दूत हैं कि जिनको पदों से प्यार नहीं था, फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। किसका स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं 1939 में। कौन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में भी बने थे हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में, फिर 1939 में भी बने त्रिपुरी अधिवेशन में, किसको हराकर, गांधी जी के प्रतिनिधि पताभी सीतारमैया की, और गांधी जी ने कहा भी था कि अब पताभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। किस अधिवेशन के बारे में, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1919। त्रिपुरी कहां पड़ेगा, जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला, पाकिस्तान के लिए अलग राज आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के लिए अलग राज आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, मोहम्मद अली जिन्ना। अब पाकिस्तान शब्द पूछेगा कौन दिया था, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द कौन दिया, चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे चौधरी रहमत अली, उन्हीं ने शब्द दिया था पाकिस्तान। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन दिया, ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय योजना कौन लाया वो अलग सवाल है, और सर्वोदय शब्द सबसे
पहले कौन दिया? महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द सबसे पहले कौन दिया? महात्मा गांधी। आगेगा सर्वोदय योजना, सर्वोदय समाज का स्थापना कौन के? विनोबा भावे। सर्वोदय योजना या सर्वोदय समाज का स्थापना कौन करते हैं? विनोबा भावे। और सर्वोदय शब्द कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। खेड़ा का पूछेगा युद्ध कब हुआ? 1707 में। शाहजहानामा के लेखक इनायत खां। शाहजहानामा के लेखक कौन? इनायत खां है। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंसीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र रहते थे? किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि है बंसीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र रहते थे? शाहजहां। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और आपको पता होना चाहिए शाहजहां ताजमहल बनवाए। क्या बनाए थे? ताजमहल। तख्त ए तौस कौन बनवाया था? तख्त ए तौस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां बनाए थे। और तख्त ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह थे। कौन था? मुहम्मद शाह। तख्त ए तौस को कौन लूट के ले गया? नादिर शाह। कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह 1739 ईस्वी में। और तख्त ए तौस में ही कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, वो भी लूट कर लेके चला गया। अगला, कबीर किस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे? बहुत ही मत समझे कि कबीर से आप जितना सीखना चाहे समझ सीख सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कविताओं को पढ़कर, ध्यान दीजिएगा, इनके ना जाने कितने प्रसिद्ध दोहे हैं, आप सुन सुन के लोग कितने क्या कुछ कर गए हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं भारत के। कबीर किस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे? तो निर्गुण संप्रदाय के। किनके? तो निर्गुण संप्रदाय के कवि थे, कवि थे ये। ठीक, मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? मैंडस तूफान का नामकरण कौन किया है? यूएई किया, संयुक्त अरब अमीरात। मैंडस तूफान का नामकरण कौन किया? यूएई। यह तूफान कहां आया? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। कहां तूफान आया था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। और इस कहेगा मैंडस तूफान का उत्पत्ति कहां था? बंगाल की खाड़ी में। उत्पत्ति कहां? बंगाल की खाड़ी में था। बच्चों, जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्यों किया गया था? कुओं के, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं रहता है, उसके जल स्तर को बढ़ाने के लिए, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए किया गया था। जल दूत ऐप को लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया किसके द्वारा? महिला आयोग द्वारा, 16 नवंबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा? महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, 16 नवंबर 2022 को किया गया। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? महिला सशक्तिकरण पर G20 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? आगरा में हुआ। कहां हुआ? आगरा में। तो बच्चों, 20 प्रश्न जो कि जीके जीएस के लिए आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। इस तरीके के प्रश्न देखेगा आपको अक्सर, अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं, तो इस तरीके का सवाल आपको रहता है जरूर। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए और आप ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही जल्दी आपके हाथ लगेगा। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए, जल्द से जल्द रिजल्ट लीजिए, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों के नाम को रोशन करें, और साथ तो आपका नाम रोशन ही होगा ही। तो चलिए, कल मुलाकात हम लोग की होगी।